सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन अप्रोच, आज उसी का कुछ फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने उसमें यह डिस्कस किया था कि हम इस अप्रोच में जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है रीइंफोर्स कंक्रीट एलिमेंट्स के डिज़ाइन में, इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं कैपेसिटी वाली साइड पर भी और लोड वाली साइड पर भी। कैपेसिटी वाली साइड पर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इस्तेमाल करते हैं या कैपेसिटी रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं इसको। लोड वाली साइड पर लोड फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है कि ये जो अल्फ़ा लोड फैक्टर है ये ग्रेटर देन वन होगा, फी जो है वो लेस देन वन होगा। और फिर इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हर टाइप के लोड के लिए लोड फैक्टर डिफरेंट होगा और हर एक्शन के लिए फी फैक्टर भी डिफरेंट होगा। मोमेंट के लिए डिफरेंट होगा, शीयर के लिए डिफरेंट होगा। शीयर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अगर फी वी से रिप्रेजेंट करें तो ये फी एम से डिफरेंट है। एक्सियल लोड के लिए भी डिफरेंट होगा। सो हमने लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम्पल देखी थी कि फ्लेक्जर के लिए जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है मोमेंट के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए या कंबाइंड मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स के लिए, ये 0.65 से 0.9 तक वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है। मोमेंट का मतलब है अगर सिर्फ मोमेंट एक्शन है हमारा तो इसका मतलब है हम बीम्स की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक्सियल फोर्स एक्शन है तो हम कोइंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम कंबाइंड मोमेंट और एक्सियल फोर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा मतलब इसका मतलब है हम जो नॉर्मल रियल प्रैक्टिकल कॉलम्स हैं जिन पे एक्सियल लोड भी होता है और मोमेंट भी होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये दोनों तरह से हो सकता है, मोमेंट अगर दोनों डायरेक्शन में होगा और एक्सियल लोड भी होगा तो फिर ये बाई एक्सियली लोडेड कॉलम बन जाएगा। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन का मोमेंट है और एक्सियल लोड है तो फिर ये यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम बन जाएगा। इन एक्शंस के लिए फी फैक्टर 0.65 से 0.9 तक है, यानी एक कांस्टेंट नहीं है। और जो एसीआई की गाइडलाइन है वो ये है कि 0.65 से 0. यानी जो इसकी वैल्यू है वो अगर टॉप स्ट्रेन देखी जाए किसी क्रॉस सेक्शन की, टॉप फाइबर स्ट्रेन, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये कि ये 0.65 हो या 0.9 हो या इनके दरमियान कहीं हो। वो गाइडलाइन ये है कि अगर आप टॉप स्ट्रेन को, यानी अगर आपका ये क्रॉस सेक्शन है ठीक है, और आप अगर बीम को ड्रॉ करें साइड व्यू देखें तो वो ये है लेट से, और ये उसका क्रॉस सेक्शन है। आपको पता है कि आप एक स्ट्रेन प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं जो बेसिकली स्ट्रेन का अलोंग द डेप्थ ग्राफ है, यानी वो ये बता रहा है कि अलोंग द डेप्थ हर फाइबर में स्ट्रेन कितनी है ठीक है। सो स्ट्रेन प्रोफाइल असल में यूँ समझ लें कि एक रोटेटेड ग्राफ है जिसमें डेप्थ के अलोंग स्ट्रेन की वैल्यू या उसकी वेरिएशन शो हो रही होती है। अब ये स्ट्रेन प्रोफाइल किसी लोडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग होगी ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि मैं बस ये ऐसे ट्रायंगल बना देता हूँ। जब ये बना देता हूँ इसका मतलब है कि इसके बैक एंड पे कोई लोडिंग है जिसने कोई स्ट्रेन्स प्रोड्यूस की हैं अलोंग द डेप्थ, और ये है उसकी वेरिएशन। अगर मैं ये टॉप और फाइबर स्ट्रेन जो मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यूज़ हैं इनको फेलियर के इक्वल रख दूँ तो इसका मतलब है मेरी जो लोडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोफाइल है ये वो मैक्सिमम लोडिंग है जो ये मटेरियल, जो ये बीम या क्रॉस सेक्शन ये सस्टेन कर सकता है ठीक है। तो ये स्ट्रेन प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा, इसको क्लियर कर लें अभी से कि ये एक वेरिएशन है स्ट्रेन की अलोंग द डेप्थ। मैक्सिमम वैल्यू इसकी मोस्टली एक्सट्रीम फाइबर्स पे होती है और ये वेरिएशन हमेशा लीनियर एज्यूम की जाती है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन की ये एक रिज़ल्ट है, वरना आप इसको सोच सकते हैं कि ये लाजमी लीनियर क्यों है। हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो क्रॉस सेक्शन पहले स्ट्रेट था डिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो स्ट्रेट ही रहा है, तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेन की वेरिएशन अलोंग द डेप्थ
लीनियर मानी जा सकती है। ये क्लासिकल बीम थ्योरी या ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी की बेसिक एजम्पशन है। इस एजम्पशन के साथ हम फ्लेक्चरल एनालिसिस करते हैं, तो लिहाजा जब भी स्ट्रेन प्रोफाइल बनाएंगे वो लीनियर बनाएंगे। लेकिन इस स्ट्रेन प्रोफाइल के पीछे एक लोडिंग होगी, चाहे वो अप्लाइड लोडिंग हो, चाहे वो अप्लाइड लोडिंग की मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू हो, ठीक है। जब हम इस स्ट्रेन प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं और कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं MN, तो बेसिकली हम एक फेलियर स्ट्रेन प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, यानी हम एक हाइपोथेटिकल लोडिंग सोचते हैं जो फेलियर स्ट्रेन प्रोफाइल कॉज करेगी, और फिर उस स्ट्रेन प्रोफाइल से जो आगे स्ट्रेस प्रोफाइल बन रही है, फोर्स प्रोफाइल बन रही है और मोमेंट का सम आ रहा है, यानी इंटरनल मोमेंट जो कैपेसिटी बन जाएगा। तो बेसिकली हम एक फेलियर स्ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं और वो जो मोमेंट, इंटरनल मोमेंट आ रहा है, वो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेन प्रोफाइल किसी अप्लाइड लोडिंग की वजह से भी बन सकती है, ठीक है। इसके बैक एंड पे कोई लोडिंग होगी, चाहे वो हाइपोथेटिकल मैक्सिमम सेफ लोडिंग हो कैपेसिटी निकालने के लिए, चाहे कोई अप्लाइड लोडिंग हो। ये जो एक्सट्रीम फाइबर एप्सिलॉन टी है, एक्सट्रीम फाइबर की स्ट्रेन, ठीक है, एक तरफ या दूसरी तरफ, इस को अगर एप्सिलॉन टी कह दें, ऑब्वियसली सम टाइम इसके लिए वर्ड एप्सिलॉन सी यूज़ होता है, बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि स्टील बार्स टेंशन में जो है वो बॉटम पे होंगी, तो कंक्रीट की या कंप्रेशन की मुनासबत से इसको एप्सिलॉन सी कह देते हैं और इसको एप्सिलॉन टी कह देते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेन जो बॉटम पे होगी। और फिर हम अगले स्टेप में ये अज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन है, कंक्रीट उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। तो जब स्ट्रेन प्रोफाइल से स्ट्रेस प्रोफाइल डेवलप करते हैं तो वो स्टार्ट ही करते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, कंप्रेशन वाली साइड पे। डिपेंड करता है ये जो एप्सिलॉन सी है ये आपकी कंक्रीट को किस लेवल तक लेके जा रहा है। अगर तो लीनियर रेंज में ही है तो फिर तो इसकी स्ट्रेस प्रोफाइल भी लीनियर ही हो जाएगी, ट्रायंगुलर ही हो जाएगी। अगर ये एप्सिलॉन सी बहुत ज़्यादा है और आपका कंक्रीट इन इलास्टिक नॉन लीनियर रेंज में चला गया तो ये स्ट्रेस प्रोफाइल पैराबोलिक हो जाएगी। लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट है वो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं करता, यानी हम एज्यूम करते हैं कि कंक्रीट ने कोई टेंशन रेजिस्ट नहीं की, लिहाजा कंक्रीट की ये ज़ीरो ही रखते हैं। लेकिन जो स्टील की स्ट्रेन है, जिस भी लेवल पर उसकी वैल्यू है, ये स्ट्रेन जब स्टील के स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी तो जो वैल्यू उसकी होगी वो बन जाएगी। ये एफ स्टील है या स्ट्रेस इन स्टील है और ये एफ कंक्रीट है, यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेन प्रोफाइल से स्ट्रेस प्रोफाइल में गए, स्ट्रेस प्रोफाइल से फोर्स प्रोफाइल में गए अगला स्टेप, यानी एरिया से मल्टीप्लाई करें, जो भी ट्रिब्यूटरी एरिया बनता है कंक्रीट का और जो एरिया ऑफ स्टील है उससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एक कंप्रेशन फोर्स आ जाएगी जो कंक्रीट की कंप्रेशन होगी इस पूरे एरिया, यानी जो प्रोफाइल है इसकी जगह एक कॉन्सनट्रेटेड रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इसी तरह इसी पॉइंट के ऊपर एक टी आ जाएगा, टी ऑफ स्टील, और फिर आप मोमेंट सम ले लेंगे इनका, वो इंटरनल मोमेंट कहलाएगा। अब अगर तो ये स्ट्रेन प्रोफाइल फेलियर स्ट्रेन प्रोफाइल है तो वो मैक्सिमम इंटरनल मोमेंट है जो आपका ये क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कैपेसिटी मोमेंट हो गया, ठीक है। यूँ हम फ्लेक्चरल एनालिसिस करते हैं और इंटरनल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं या कैपेसिटी मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं MN, और इस MN को स्ट्रेस रिजल्टेंट भी कहते हैं। स्ट्रेस रिजल्टेंट क्यों, और ये वर्ड बार बार आ रहा है आप देख रहे होंगे, यानी आपने स्ट्रेन प्रोफाइल से स्ट्रेस प्रोफाइल निकाली, उसको फोर्स में कन्वर्ट किया, फिर उनका रिजल्टेंट ले लिया, उनका मोमेंट सम ले लिया अबाउट एनी एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट भी ले सकते हैं, किसी एक फोर्स के अबाउट भी ले लेंगे तो उसका अपना ज़ीरो हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यही वो प्रोसेस है जहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स के लिए, MN इज इक्वल टू
ए एस एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई टू। ए एस एफ वाई असल में ये टी एस है, ठीक है, असल में ये तब आएगी जब आप इस सी सी के पॉइंट पर मोमेंट सम ज़ीरो लेंगे। तो सी का अपना तो ज़ीरो हो गया मोमेंट, टी एस का ही मोमेंट रहा, और टी एस असल में ए एस इंटू एफ वाई होता है। एफ वाई क्यों? क्योंकि आपने एक फेलियर स्ट्रेन एज्यूम की हुई, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एक फेलियर स्ट्रेन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ हाइपोथेटिकल लोडिंग जो फेलियर कॉज कर रही है, उस लोडिंग के अगेंस्ट जो इंटरनल मोमेंट होगा वो आपकी कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो सेफली ऑफर कर रहा है आपको क्रॉस सेक्शन। डी माइनस ए बाई टू असल में मोमेंट आर्म है इस टी एस का अबाउट दिस पॉइंट सी सी, ठीक है। ए बाई टू जो है, ए असल में विटनी की जो इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है उसकी डायमेंशन है। सो ए आपको कैलकुलेट करना है पहले सी सी और टी एस को इक्वेट करके, और फिर यहाँ पे पुट करके डी आपको पता है कि इफेक्टिव डेप्थ है। तो इस एक्सप्रेशन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, ये एक स्ट्रेस रिजल्टेंट है। अगर मैं सी सी और टी एस यानी जो भी अप्लाइड फोर्सेज हैं, सॉरी फोर्स प्रोफाइल में जो फोर्सेज हैं इनका सम ले लूँ, तो ये मेरा पी एन बन जाएगा, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसी तरह मैं दूसरी डायरेक्शन में यही प्रोसेस कर लूँ, यानी अभी तो न्यूट्रल एक्सेस आपने ऐसे लिया हुआ है ना, अगर मैं न्यूट्रल एक्सेस यूँ ले लूँ तो मेरे पास एक और एम एन आ जाएगा जिसको मैं एम एन वाई लेट से कह सकता हूँ, ये लेट से एम एन एक्स है, ठीक है। सो ये हैं स्ट्रेस रिजल्टेंट्स, यानी स्ट्रेन प्रोफाइल से स्टार्ट करके आप जो भी इंटरनल एक्शन निकालेंगे इक्विलिब्रियम को फॉलो करके वो स्ट्रेस रिजल्टेंट कहलाएगा। सो अभी बात हो रही है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर की, और हमने ये देखा कि एक्सियल लोड के लिए, मोमेंट के लिए या इनके कंबाइंड एक्शन के लिए ये एप्सिलॉन टी पे टेंसाइल जो आपकी एप्सिलॉन वैल्यू है ये वाली, इस पर डिपेंड करता है एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेन ऑन टेंसाइल साइड। और ये इस तरह डिपेंड करता है कि अगर आपकी एप्सिलॉन टी जो है वो एप्सिलॉन वाई से कम है, यानी आपका स्टील यील्ड नहीं हो रहा, ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है, फेलियर कैसे कॉज हो रहा है, कंक्रीट के क्रश होने से। क्योंकि देखें आपकी स्ट्रेन प्रोफाइल में दो तरह से फेलियर हो सकता है ना, या चलें तीन तरह से कह लें, एक ये कि आपकी कंक्रीट टॉप से क्रश हो जाए, ठीक है, क्योंकि टॉप पर तो टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेन है, एक ये कि बॉटम से स्टील यील्ड हो जाए टेंशन में, और दूसरा ये है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं जिसको बैलेंस्ड फेलियर कहते हैं, ठीक है। अगर आपका फेलियर कंक्रीट के क्रश होने से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टील के टेंसाइल स्ट्रेन तक पहुंचने से पहले आपकी कंक्रीट 0.003 को क्रॉस कर गई है, यानी कंक्रीट क्रश हो रहा है, स्टील अभी यील्ड नहीं हुआ। ऐसे फेलियर को कहते हैं ये कंप्रेशन कंट्रोल्ड फेलियर है, ऐसे क्रॉस सेक्शन को कंप्रेशन कंट्रोल्ड क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटल फेलियर होगा बिकॉज कंक्रीट की क्रशिंग एक ब्रिटल फेलियर है। अब इस केस में हमें ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, लिहाजा हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65 रिकमेंड किया जा रहा है कोड की तरफ से। और जब भी आपका टॉप स्ट्रेन जीरो यानी कंक्रीट की क्रशिंग पहले हो जाएगी स्टील के यील्ड होने से, ये आपको 0.65 लेना पड़ेगा। सो देखें जब भी आपका एप्सिलॉन टी वाई से कम है तो ये 0.65 पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें भी एक डिफरेंस है कि आपकी जो लेटरल रीइंफोर्समेंट है, यानी अभी तो सिर्फ परपेंडिकुलर रीइंफोर्समेंट के यील्ड होने की बात हो रही है, अगर लेटरल रीइंफोर्समेंट स्पाइरल है तो फिर आप 0.75 ले सकते हैं, यानी अपनी रिडक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइरल जो है वो ज़्यादा अच्छी कन्फाइनमेंट देगा, तो आप थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपने क्रॉस सेक्शन के बारे में। दूसरी एक्सट्रीम पे है टेंशन कंट्रोल्ड मेंबर, यानी जिसमें आपकी एप्सिलॉन टी 0.005 से भी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली यील्डिंग पहले हो गई कंक्रीट के क्रश होने से।
और इसमें टेंशन कंट्रोल मेंबर कहेंगे, बिकॉज इसमें जो प्राइमरीली फेलियर हो रहा है वो स्टील बार्स के यील्ड होने से हो रहा है। और इस फेलियर में, ये फेलियर ब्रिटल तो नहीं होगा बट इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होगी बिकॉज स्टील बार्स आपकी यील्ड कर जाएंगी। इसमें आप 0.9 ले सकते हैं, सो इसके बाद भी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई 0.9 पे, ठीक है। टेंशन कंट्रोल फेलियर ज़्यादा डिज़ायरेबल है कंपेयर टू कंप्रेशन कंट्रोल फेलियर। आप नहीं चाहेंगे कि ब्रिटल फेलियर हो, आप हमेशा डक्टाइल फेलियर चाहेंगे। इन दोनों के दरमियान में एक रेंज है जिसको ट्रांजिशन रेंज कहते हैं, और इसमें ये रिकमेंडेड है कि आप 0.65 और 0.9 के दरमियान लीनियर इंटरपोलेट कर लें। अगर आपकी एप्सिलॉन टी 0.002 और 0.005 के दरमियान है, यानी जस्ट यील्डेड और सिग्निफिकेंटली यील्डेड के दरमियान है, ठीक है, उस सूरत को आपने ये लीनियरली इंटरपोलेट करना है। सो अगर आप इसको फर्दर देखें कि इन स्ट्रेन्स में इनकी रीज़न क्या है, इस क्लासिफिकेशन की, हमें पता है ये हमारा लेट से एक जनरल रीइंफोर्स कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन है और हमने इसकी ये एक स्ट्रेन प्रोफाइल बना ली। अब इसमें टॉप के ऊपर 0.003 है और बॉटम पर एप्सिलॉन टी अगर उसको कह दें, और अगर एप्सिलॉन टी यील्डिंग से कम है तो ये कंप्रेशन कंट्रोल्ड है, अगर यील्डिंग से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है तो ये टेंशन कंट्रोल्ड है, और अगर उस रेंज में है 0.002 और 0.05 के तो फिर ये ट्रांजिशन वाला फेलियर है। सो अगर लेट से पहला केस देखें कि 0.005 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये टेंशन कंट्रोल्ड है, इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग से फेलियर होगा और ये डिज़ायरेबल फेलियर है, आप चाहेंगे कि आपको वार्निंग मिले, ब्रिटल फेलियर ना हो। और जाहिर है कि देखें ये जब मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि ये फेलियर है या ये फेलियर है, उससे मुराद ये नहीं कि डिज़ाइन में आप कोई इस किस्म के फेलियर को रेकमेंड कर रहे होते हैं, इससे मुराद ये कि डिज़ाइन तो देखें ये कह रहा है कि आप एडिक्वेट सेफ्टी प्रोवाइड करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करें, लेकिन इन केस ऑफ एनी ओवर स्ट्रेंथ स्ट्रेस, यानी किसी एक्सीडेंटल लोडिंग की वजह से, किसी ओवर स्ट्रेस की वजह से अगर फेलियर होता है तो वो डिज़ायरेबल मोड में हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस फेलियर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम है कंप्रेशन कंट्रोल की, ये ब्रिटल कंप्रेशन फेलियर है। इसमें क्या होगा कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेन आपकी यील्ड से कम होगी, ठीक है, और टॉप पर फेलियर पहले हो जाएगा, ये इसमें डक्टिलिटी कम होगी, इस ऊपर वाले में टेंशन कंट्रोल में डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। दरमियान में एक ट्रांजिशन रीजन है जिसमें आपको लीनियर इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो कि अभी हमने फ्लेक्जर का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बट मैं यहाँ पर इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि बहुत कम ये देखा जाता है कि हमारा क्रॉस सेक्शन हमारी प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट के मुताबिक टेंशन कंट्रोल बन रहा है या कंप्रेशन कंट्रोल बन रहा है, क्योंकि देखें कौन ये फैसला करेगा कि ये मेंबर टेंशन कंट्रोल्ड है या कंप्रेशन कंट्रोल्ड है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसीजन करेंगे। अगर आप देखें तो अमाउंट ऑफ स्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ स्टील बहुत ज़्यादा कर दें तो फेलियर को आप कंप्रेशन की तरफ धकेल देंगे, यानी कंप्रेशन कंट्रोल बना देंगे। फिर एक स्टील का एफ वाई, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ स्टील के अलावा स्टील का जो एफ वाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्पेसिफिक इशू की तरफ अगर चले, मैं यहाँ आपकी तवज्जो दिलाऊँ कि आम तौर पे लेट से एफ वाई 60 ग्रेड का कहा जाता है कि ये 60 KSI है, हमारे यहाँ जो स्टील बन रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा यील्ड शो कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। आप देखेंगे कि उनका 75 KSI पे कहीं जाके यील्ड हो रहे हैं, कोई 80 पे हो रहा है, ठीक है, और यील्ड होने के बाद भी ओवर स्ट्रेंथ ले रहे हैं, कोई 90 KSI पे 95 पे जाके अल्टीमेट फेलियर हो रहा है। सो आम तौर पे ये तासुर है कि ज़्यादा ही स्ट्रेंथ दे रहा है, कम नहीं दे रहा, सो लिहाजा कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में आप इस को ज़रा कंप्रेशन कंट्रोल्ड और टेंशन कंट्रोल को जहन में लेकर आएँ, आपने स्टील डिज़ाइन की 60 KSI समझ के सारी कैलकुलेशन कर ली
और ये इंश्योर किया कि फेलियर टेंशन कंट्रोल होगा, उतनी रीइन्फोर्समेंट दी। बिकॉज देखें, आप रीइन्फोर्समेंट कैसे देते हैं, आप पहले एक बैलेंस्ड फेलियर कंसिडर करते हैं जिसमें टॉप पर 0.003 और बॉटम पे 0.002 जो कि स्टील का एप्सिलॉन वाई है, उस बैलेंस्ड स्टील से कम स्टील देते हैं। ऐसा ही है ना, बीम्स में आप बैलेंस्ड स्टील यानी वो स्टील जो दोनों फेलियर्स को इकट्ठा इंश्योर कर रहा है उससे कम देते हैं ताकि आपका स्टील पहले यील्ड हो, टेंसाइल फेलियर हो, टेंशन कंट्रोल मेंबर बने। आपने ये 60 KSI रख के कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन असल में आपका FY 75 KSI है, जिसकी वजह से एक्चुअल में मुमकिन है कि आपका सेक्शन कंप्रेशन कंट्रोल बन जाए, फेलियर पहले कंक्रीट में हो जाए। ठीक है, सो यही मामला असल में जो स्टील का इलास्टिक मॉडुलस है उसके बारे में भी है कि पुअर क्वालिटी कंट्रोल की वजह से जो ई है वो हो सकता है स्टैंडर्ड नॉमिनल वैल्यू जो होती है स्टील की, जो आपने डिज़ाइन में यूज़ कर ली है वो ना हो रही हो, उसमें वो कोई और वैल्यू हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराइएगा, मैं आपको एक पेपर दूंगा जो पाकिस्तान की स्टील्स की क्वालिटी पर एक समरी पेपर है, बड़ा अच्छा। और उस उनका मेन पॉइंट ये है कि बहुत से ऐसे क्रॉस सेक्शन जो पाकिस्तान में डिज़ाइनर टेंशन कंट्रोल्ड समझ के डिज़ाइन कर रहे होते हैं, असल में उनकी जब एक्चुअल FY डाली जाए, एक्चुअल FU या प्रॉपर्टीज़ स्टील की यूज़ की जाएँ, तो वो कंप्रेशन कंट्रोल बन जाता है, जो कि एक बहुत सोचा जाए तो एक बड़ी अनडिज़ायरेबल या डेंजरस बात है। ठीक है, सो ये एक स्पेसिफिक रीज़न है जो मैं इसको यहीं पे पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ इवन बिफोर गोइंग टू फ्लेक्चर। एनीवेज़, अब इसको कंक्लूड करते हैं साइज़मिक ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फिलोसफीज़ की जो डिस्कशन है, और समरी यही है कि अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन आपको ये कहता है कि आप यील्ड से भी बहुत पहले एक वर्किंग स्ट्रेस वैल्यू या अलाउएबल स्ट्रेस वैल्यू से आगे ना जाएं। अगर आपकी अप्लाइड लोडिंग की वजह से स्ट्रेस कैपेसिटी के आधे से भी ज़्यादा आगे जा रहा है तो आप अपना मटेरियल रीडिज़ाइन करें। इसके बरक्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन ये कहता है कि आप पीक तक जाएं, लेकिन फिर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा पीछे आ जाएं, FC प्राइम तक जाएं, लेकिन फिर फी अप्लाई कर दें ओवरऑल MN के ऊपर। और इसके बाद एक प्लास्टिक डिज़ाइन है जो आपको ये भी रिकमेंड करता है कि आप इवन पीक से भी आगे जाएं, और पोस्ट पीक फेलियर, पोस्ट पीक बिहेवियर जो है जिसमें डक्टिलिटी भी आ जाती है, जिसमें ओवर स्ट्रेंथ भी आ जाता है, वो भी कंसिडर करें डिज़ाइन में। डक्टिलिटी से मेरी मुराद ये होती है कि लोड को सस्टेन रखते हुए बहुत ज़्यादा डेफॉर्मेशन तक फेल ना होना। ठीक है, सो पीक तक तो ब्रिटल एलिमेंट और डक्टाइल एलिमेंट एक जैसा बिहेव करेगा, पीक के बाद इनमें फ़र्क आएगा। ब्रिटल जो है वो पीक के बाद सडन फेल हो जाएगा, डक्टाइल काफ़ी आगे जा के फेल होगा। तो वो जो एक यूज़फुल रेंज आपको मिल जाती है जिसमें स्ट्रक्चर सेफ ही होता है और उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस नहीं होती, लेकिन वो एक्सेसिव डेफॉर्मेशन सस्टेन कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और ये बहुत यूज़फुल क्वांटिटी है, ये प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो अगर किसी एक्सीडेंटल लोडिंग या एक्सट्रीम लोडिंग की वजह से आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन फोर्सेस से ज़्यादा फोर्सेस भी उस पर आ जाती हैं तो वो स्ट्रक्चर सस्टेन कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिक डिज़ाइन या नॉन लीनियर डिज़ाइन, नॉन लीनियर एनालिसिस, ये सारी अप्रोचेस जो हैं ये आपको उस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को भी यूज़ करती हैं या उसको कंसिडर करती हैं।